अग्रवाल संगठन कमलानगर ने निकाली महाराजा अग्रसेन जयंती के अंतर्गत शोभा यात्रा। शनिवार को बल्केश्वर आईटीआई से शोभा यात्रा का शुभारंभ आतिशबाजी के साथ किया गया। शोभा यात्रा का शुभारंभ उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राकेश गर्ग जितेंद्र अग्रवाल ने किया। चांदनी चौक कमलानगर होती हुई शोभा यात्रा सी ब्लॉक पहुंची। पूरा क्षेत्र जगमग रोशनी से प्रकाशित हो रहा था। शोभा यात्रा में प्रथम पूज्य भगवान गणेश की सवारी अग्रणी रही। इसके बाद देव स्वरूपों की लाइव झांकियां भगवान शिव नौ दुर्गाओं की झांकियों से सभी को श्रद्धा से ओतप्रोत कर दिया। नाग कन्याओं के रथ के बाद हाइड्रोलिक रथ पर सवार होकर महाराजा अग्रसेन अशोक मित्तल और रानी माधवी आशा मित्तल निकले। 18 राजकुमार की झांकियां महाराजा अग्रसेन की झांकियों के साथ निकली। शहर के प्रमुख चार बैंड और नासिक से आए विशेष बैंड की प्रस्तुतियों पर साथ साथ चल रहे अग्रवंशी जमकर उत्साहित होकर झूम रहे थे। शोभा यात्रा के मार्ग में 40 से अधिक स्थानों पर भव्य स्वागत हुए। छतों और झरोखों पर चढ़कर सैकड़ों लोगों ने पुष्पवर्षा की। खाटू श्याम जी राधा कृष्ण आदि की झांकियां भी शोभा यात्रा में शामिल रही। शोभा यात्रा में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की। शोभा यात्रा का समापन सी ब्लॉक पर सजे भव्य मंच पर किया गया। यहां बनारस से आए 5 ब्राह्मणों ने LED पर महाराज अग्रसेन की 7 मंजिला महाआरती की। दीपकों की आरती के बाद धुनी से भी आरती हुई, जिसे देखकर हर कोई अभिभूत हो गया। शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, MLC विजय शिवहरे, राज्यसभा सांसद नवीन जैन थे। सभी अतिथियों का स्वागत एवं सत्कार कौशल किशोर सिंगल, पीयूष अग्रवाल, राकेश मंगल ने किया। महाराज अग्रसेन सम्मान से स्वर्गीय राजेश गोयल के परिजन आनंद शर्मा और राम मोहन गर्ग को सम्मानित किया गया। नगर बलिवेश्वर क्षेत्र में एक भव्य और ऐतिहासिक शोभा यात्रा महाराजा अग्रसेन जी के जन्म दिवस पर आयोजित की है। मैं यहाँ की समिति को और यहाँ के नागरिकों को बधाई देता हूँ कि महाराजा अग्रसेन जी का जो संदेश है उसको घर घर पहुँचाएं और देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, क्योंकि विश्व के पहले समाजवादी महाराजा अग्रसेन जी जो अपने देश में लोगों को घर दिलवाते थे, घर बनवाने के लिए 1 रुपया 1 ईंट और व्यापार चलाने के लिए 1 रुपया देने का काम जो महाराजा अग्रसेन जी ने दिया है, सबका साथ सबका विकास जो संदेश महाराजा अग्रसेन जी ने पूरे समाज को दिया है, देश को दिया है, आज देश हमारा उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए परम वैभव के शिखर पर बढ़ रहा है। ये महाराजा अग्रसेन जी का संदेश है जो विश्व के अंदर पहुंच रहा है। ये काश और लेनिन, ये मार्क्स और लेनिन, ये फर्जी समाजवादी है। असली समाजवाद तो महाराजा अग्रसेन जी का है, डॉक्टर लोहिया का है। ये फर्जी समाजवाद समाप्त हो रहा है, असली समाजवाद की ओर देश हमारा बढ़ रहा है। अग्रवाल संगठन कमला नगर के द्वारा आज ऐतिहासिक शोभा यात्रा महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के अवसर पर आयोजित की गई है। यह ITI बल्केश्वर से प्रारंभ होकर के सी ब्लॉक कमला नगर तक जाएगी। यह इतनी बड़ी ऐतिहासिक यात्रा है कि इस तरह की पहली यात्रा हो रही है जिसमें काफी बड़ी संख्या में झांकियां हैं और हजारों लोग इसके अंदर सहभागिता कर रहे हैं। और यह एक महाराजा अग्रसेन जी का संदेश लेके जा रहे हैं कि महाराजा अग्रसेन जी ने जिस तरह से अपना जीवन जिया, एक प्रगतिशील न्यायवादी, समाजवादी और आर्थिक सुधारों का और अहिंसावाद का, सभी को ये संदेश समाज में जा रहा है, ये फैल रहा है। और युवा पीढ़ी के लिए भी भाई इससे आग्रह होगा कि महाराजा अग्रसेन जी से वह बहुत कुछ सीखे और महाराजा अग्रसेन जी से प्रेरणा लेकर के अपना जीवन को जिए, निश्चित तौर पर वो बहुत सफल होंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज कितनी सुंदर शोभा यात्रा 5 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जी के 5148 जन्म दिन पर निकाली जा रही है। आप देख रहे हैं हजारों लोग एक शोभा यात्रा में चल रहे हैं। 18 राजकुमार, 9 देवियां, कितने प्रसन्न है वो हम लोग देख रहे हैं।
और हम सभी को ये शिक्षा देते हैं कि हमें अग्रसेन जी के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, क्योंकि वो एक रुपया एक ईंट का जो उन्होंने सिद्धांत दिया है, इसका मतलब ये है हम अपने जो अग्रवाल है, गरीब है या अभावहीन है, उनको हम अपने बराबर में बैठाए, अपनी पंगति में लाए, ऐसा उनका संदेश था। जय अग्रवाल, जय अग्रवाल। अग्रवाल संगठन कमला क्षेत्र में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। महाराज अग्रसेन जयंती का बहुत पूरे शहर में बहुत जगमग छाई हुई है। जगह जगह जयंतियाँ निकाली जा रही हैं। जैसे अग्रवाल संगठन ने जयंती निकाली है, बहुत भव्य शोभा है, बहुत सम्मान मिला है हार्दिक आभार भाई साहब के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है। जामिया मनमोहक है, बहुत सुंदर, मतलब नजारा बहुत सुंदर है, और हार्दिक भवाई शुभकामनाएं। और जगह जगह ऐसे ही जामिया निकलती रहे, शोभा यात्रा निकलती रहे, और भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत आभार। मैं अमित अग्रवाल, कमला नगर व्यापार संघ का अध्यक्ष। ये हमारे अग्रवाल संगठन द्वारा अग्रवाल महाराज अग्रसेन की 548वीं जयंती पर बहुत ही भव्य रूप से अबकी बार जो अग्रसेन महाराज की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और आप पीछे देख सकते हैं, जैसे जनकपुरी के मोहल्ला में सजावट देखी होगी, वैसे ही सजावट आज हमारे इस महाराज अग्रसेन की शोभा यात्रा में हो रही है। जगह जगह पुष्प वर्षा का स्वागत किया जा रहा है, जगह जगह आरती करी जा रही है, और स्वल्प पार्क की व्यवस्था आप देखेंगे, बल्कि आईटी पार्क से लेकर यहाँ तक कम से कम मैं समझता हूँ सैकड़ों जगह स्वल्प पार्क की व्यवस्था करी गई है। लोग अपने घर से निकल कर बाहर निकल के आरती कर रहे हैं महाराज अग्रसेन की। तो एक आप एक ये कह सकते हैं कि हमारी जो शोभा यात्रा है उसने एक नया और भव्य रूप लिया है, और मुझे उम्मीद है कि इस साल जैसा रूप लिया है आगे आने वाले वर्षों में इससे और भी भव्य होती चली जाएगी।